तो लो भैया, हम आपके लिए 125 सीसी की सबसे महंगी बाइक लेके आए हैं, जिसको ख़रीदने में आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ जाएगी। अब आप सोच रहे हो किडनी कहाँ बेचेंगे, इतनी महंगी कहाँ है? कहाँ नहीं है भैया, 125 सीसी की बाइक है, लेकिन ऑनडर 2 लाख के ऊपर की पड़ती है। आया ना किडनी पे सवाल, इसीलिए हमने बोला वैसे किडनी मत बेचिएगा, मेहनत मजदूरी करिए, गल्ला माटी करिए, कुछ भी करिए, पैसा जुहाइए, उस बाइक को ले लीजिए। कैसे बहुत से लोगों का ही सपना है भैया बाइक चलाना, खासकर KTM की बाइक। अब जितने भी भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट में जाके बताना भाई कितने लोगों का सपना है उनको ड्यूक 125 लेनी है। चलिए बताइएगा कमेंट करके, हम फटाफट इसके बारे में जानते हैं कि कितनी महंगी है। देखिए 2023 में अगर आप इस बाइक को लेने जा रहे हैं तो 1,76,000 के करीब इसकी एक्सोरूम प्राइस है। अब ऑन रोड ये लगभग आपको पड़ जाएगी 2 लाख से लेके 2,10,000 के बीच में। अब सोचिए आप खुद ही 2,10,000 तक जो है इसका ऑन रोड प्राइस चला जा रहा है अलग अलग शहर में, तो हो गई ना 2 लाख के ऊपर। अब 125 सीसी की बाइक है, हम 2 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें आपको, सीट हाइट भैया 822 mm की सीट हाइट है। हम खुद जब वीडियो शूट कर रहे थे, हमारी करेक्ट 6 फीट हाइट है, हम ससुरा बैठे हमारे दोनों पैर तो नीचे टच हो गए, लेकिन हम खुद ही महसूस करने लगे कि अरे यार मतलब इतनी ऊंची बाइक है। तो भैया जिनकी हाइट 5.3 से कम है मत लेना भैया, काट टंग जाओगे बाइक पे और दूसरे लोग देख के ऊपर से हंसेंगे, ठीक है, कि पता नहीं इतनी महंगी बाइक लेके आए पैरों नीचे तक नहीं छुआ रहा है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेने से पहले टेस्ट राइड ले लीजिए, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तभी लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है टेस्ट राइड का। इस बाइक में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम बता दे रहे हैं, जैसे कि आगे और दोनों पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलता है और सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो ब्रेक बहुत कमाल का है, जहाँ दबाएंगे गच्चे से गाड़ी रुक जाएगी। और आपको जो इंजन मिलता है बहुत पावरफुल इंजन है 125 सीसी में, कैसे कि 15 HP की लगभग पावर मिलती है और 12 Nm का टॉर्क मिलता है, और लिक्विड कूलिंग का सिस्टम है तो इंजन ज़्यादा हीट आउट नहीं होगा। 6 गियर मिलते हैं तो भैया 6ठे गियर पे मस्त टॉप स्पीड हाईवे पे आएगी, और अच्छे चलाएंगे तो 35 से 40 का माइलेज और निकाल लेंगे, लेकिन घटिया तरीके से चलाएंगे, खाली धाक और भौकाल दिखाएंगे तो भैया ये 30 तक लुढ़का देगी। और इसमें सिर्फ सेल्फ मिलता है, किक वगैरह नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 12 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी लगाकर दे रही है, और ये बाइक जो है पेट्रोल वगैरह भरवा देंगे तो 1.5 क्विंटल क्रॉस हो जाएगी। और साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का है, तो भैया 3 लोग इस बाइक पे तो वैसे ही नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन बैठिएगा भी नहीं, नहीं तो नीचे से टच होने लगेगी। तो देखिए टायर जो सबसे बढ़िया है भैया, टायर आगे वाला 110/70, पीछे वाला 150/60, मतलब इतना चौड़ा टायर दिए हैं कि देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा। 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, एकदम झकास टायर है, टायर को लेकर कोई समस्या नहीं है। अगर मीटर कंसोल देखिए तो इसमें ऑरेंज कलर का मीटर कंसोल मिलता है, अब फुल डिजिटल है, एकदम सारी सूचनाएं मिलती हैं भाई साहब। अब हम ही नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन 125 सीसी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। यही लिए ये बाइक इतनी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी हम गुजारिश करते हैं यार, पता है अगर इसका प्राइस हमारे हिसाब से 10 या 15 हज़ार कम होता तो हमारे जैसे बहुत से गरीब हैं जिनके जिनका सपना साकार हो जाता। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और जाते आते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम सब बता चुके हैं इस बाइक के बारे में, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।